सो गाइज, रिसेंटली हम लोगों ने विजिट किया काफ सफारी लॉज में, जो कि है कबिनी में, जो कि बैंगलोर से 4 to 5 आवर्स की दूरी पे है और ये जंगल के बीचों बीच है। बहुत सेफ जगह है, बट यस, आप इसकी बालकनी से वाइल्ड एनिमल को देख सकते हैं, कभी कभी दिख जाता है। और ये अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है। इसके तीन रेंज में है, बेसिक, देन टेंट हाउस, देन पूल विला। ये है इसका बेसिक का जो है, इसके बेसिक जो रूम है ना, वही आपको 22 से 23 थाउजेंड स्टार्टिंग है। और ये उसका कॉमन एरिया है। 4 बेसिक रूम्स हैं, 2 टेंट हाउस हैं और 1 पूल विला। सिर्फ 7 जो रूम्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर वो हैं। और पूरी लग्जरी जो है आपको फील होगी। ये लोग बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ की। ये देख सकते हैं रूम जो इन लोगों का स्टार्टिंग है रूम का, और बहुत अमेजिंग रूम है गाइज, बहुत अमेजिंग। व्यू भी बहुत अच्छा है, ये बालकनी भी दी गई है इसके साथ साथ। और यहाँ पे जो आप लोगों को खाना देते हैं ना, वो आप लोगों से पूछ के, आप लोगों की अगर कोई प्रेफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ये है इनका टेंट हाउस, टेंट रूम आई मीन, 2 टेंट रूम्स हैं जिसमें ये उसका कॉमन एरिया दिया गया है। यहाँ पर आराम से बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन लोगों ने जो आप लोग के रूम के बीचों बीच देख सकते हैं टब दे रखा है। मैंने तो भाई पूरा पैसा वसूल किया था इसका, टब में खूब मस्ती करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये रूम। और उस दिन जिस दिन हम गए थे, बहुत ज़्यादा सारी रात बारिश हो रही थी और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट पूरा सेफ है ये और बिल्कुल 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ गाइज, एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहूँगी, जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, हम लोग को एक रूम जो मैंने बेसिक रूम दिखाया था, वहाँ पर हॉट वाटर की प्रॉब्लम हुई थी और वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। और तो इस वजह से मेरी जो ओल्ड मदर हैं, उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ा था। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा डिससेटिस्फाई हूँ। और ये दे रखा है इनका स्विमिंग पूल, जो कि हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था क्योंकि इतनी ठंडी थी तो कहाँ से यूज़ करते यार। और ये है इनका टेरेस, टेरेस से बहुत अमेजिंग व्यू आता है और यहीं से आप देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल भी बैठ के आराम से। देन इन लोगों का ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, जो उन लोगों ने शोपीस लगा रखा था। इन लोग का फूड वॉज सो अमेजिंग, सो फ्रेश, सो टेस्टी, मतलब डेजर्ट तक आप लोग को देते हैं। और हाई टी भी आप लोग को प्रोवाइड की जाती है, मतलब स्नैक्स के टाइम पे आप बैठ के चाय, कॉफ़ी, मिल्क, जूस, स्नैक्स, एवरीथिंग यू विल गेट हेयर। और वो सब कुछ आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है, मतलब जो आप जो भी रूम लेते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है इन लोग का खाना। तो खाने के लिए आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता और टेंशन नहीं करना पड़ता। ये है इन लोगों का लास्ट रूम। और रूम के जो नाम है ना, इन लोगों ने एनिमल्स, बर्ड्स, इन लोगों के नाम से दे रखे हैं। इसका रूम का नाम है ब्लैक पैंथर। और ये है यहाँ का मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी रूम विथ पूल, इसे पूल विला बोलते हैं। बहुत ही बड़ा है। इस रूम में एक सोफ़ा भी दिया गया है जिसे आप बड़ा करके एज अ बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेडरूम की प्राइवेसी के लिए इन लोगों ने एक बीच में डोर भी दे रखा है जिसे आप क्लोज करके प्राइवेट रूम बना सकते हैं। सो गाइज, हमारे ये जो हॉलीडे था जिसने बुक किया था, उनकी डिटेल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो उनसे बुक करा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।